दोस्तों, यह खूबसूरत अभिनेत्री रियलिटी शो बिग बॉस 13 की सबसे ज्यादा महंगी कंटेस्टेंट है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ शो में एंट्री देंगी। देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन अगर आपको भी बिग बॉस रियलिटी शो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ताजा खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस को लेकर हर बार ही दर्शकों में बहुत ज्यादा क्रेज होता है और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले कंटेस्टेंट्स के बारे में वह पहले से ही जानने की कोशिश करते हैं। इस बार 29 सितंबर को शुरू होने वाले शो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने की उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारे नए और दिलचस्प लोग इस बार घर में जाने वाले हैं। इस शो में पार्टिसिपेट करने वाले सेलिब्रिटीज को एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है, जो कि हर वीक के मुताबिक उन्हें दिया जाता है, जितनी ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी होती है। लेकिन आपको बता दें कि बिग बॉस के घर में जाने से पहले ही बताया गया है कि यह अभिनेत्री सबसे ज्यादा महंगी कॉन्टेस्टेंट है इस सीजन की। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं अभिनेत्री रश्मि देसाई के बारे में, जिन्होंने शो में आने के लिए मोटी रकम प्रोड्यूसर से ली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार शो में जाने के लिए रश्मि सबसे ज्यादा 1,20,00,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जो कि किसी भी टीवी सेलिब्रिटी के लिए आज तक की बिग बॉस की सबसे बड़ी रकम कही जा सकती है। बता दें कि रश्मि देसाई शो में अपने बॉयफ्रेंड अरहान खान के साथ एंट्री लेंगी, जिनके साथ वह पिछले कुछ समय से रिलेशनशिप में हैं। इतनी बड़ी रकम लेकर रश्मि खुद काफी उत्सुक नजर आ रही हैं और वह खुद इस शो का हिस्सा बनना चाहती थी, लेकिन कुछ समय से वह अपना मन ही नहीं बना पा रही थी। इससे पहले आपको बता दें कि रश्मि देसाई इंडियन टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री हैं, जो कि साल 2008 में कलर्स टीवी के सीरियल उतरन से फेमस हुई थी। इसके बाद तो उन्होंने अपनी मेहनत से बहुत सारे सीरियल्स में काम किया, जिसमें नच बली और झलक दिखला जा डांस शो भी शामिल है। रश्मि ने साल 2012 में एक्टर नंदिश संधू के साथ शादी भी की थी और दोनों का रिश्ता आपस में काफी अच्छा भी देखा जाता था, लेकिन फिर किसी कारण दोनों में ही कहासुनी होने लगी और नंदिश नहीं चाहते थे कि रश्मि शादी के बाद इंडस्ट्री में काम करें, इसीलिए दोनों ने अलग होने का फैसला ले लिया। आपको बता दें कि बिग बॉस 13 में कुछ बदलाव भी किए जा रहे हैं, जिसमें शो की लोकेशन चेंज की गई है, जो कि पहले मुंबई के ही लोनावला में शूट किया जाता था। इस बार इसे गोरेगांव फिल्म सिटी में सेट लगाया गया है, लेकिन शो के होस्ट सलमान खान को शो की लोकेशन चेंज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। देखना होगा कि इतनी महंगी कॉन्टेस्टेंट शो में जाकर कितनी जान डाल सकती हैं और कितनी देर तक वहाँ टिकी भी रह पाती हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रश्मि देसाई इस बार बिग बॉस सीजन 13 जीत सकती हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें। दुनिया भर की वायरल बात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।